हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल स्मार्ट गाइड चैनल। और आज मैं आप सबके लिए फिजिक्स का लेंस चैप्टर है जिससे आपको मैं सेकेंड ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ लेंस चैप्टर का। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, सेकेंड ट्यूटोरियल की तरफ लगते हैं। तो आपको 2009, 2014 और 2021 में भी पूछा गया हुआ है और सेकेंड मॉडल टाइप का है। तो इससे पहले वाले मॉडल टाइप का अगर वीडियो नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो आज का ट्यूटोरियल क्या है, प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ आर 20 cm एंड 6 cm आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। जो टू कॉन्वेक्स लेंसेज है जिसका फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है, एक का फोकल लेंथ क्या है 10 cm है और दूसरे का क्या है 6 cm से है, उसको सर्टेन डिस्टेंस पर अपार्ट किया गया हुआ है, रखा गया हुआ है। और उसको हमें क्या करना है, मालूम कर क्या करना है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल पॉइंट इफ दे फ्रॉम एफ एंड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो उसमें आपको हमें क्या मालूम करना है, उसका पोजीशन, प्रिंसिपल पोजीशन उसका क्या होगा, अर्थात अल्फा और बीटा उसका क्या होगा एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का, वो हमें पता लगाना है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। तो फर्स्ट में लिख देते हैं गिवन क्या क्या डाटा दिया है वो लिख लेते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंसेज अर्थात f1 बराबर 20 cm, उसके बाद f2 बराबर क्या होगा 6 cm होगा, उसके बाद क्या होगा पोजीशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट अल्फा, अल्फा बराबर क्या होगा व्हाट, उसके बाद सेकेंड पोजीशन प्रिंसिपल पॉइंट अर्थात बीटा, बीटा बराबर व्हाट। तो वी हैव, हमारे पास क्या है मेन फार्मूला, एट अगर एक्रोमेटिक कंडीशन दिया हुआ है उस वक्त, तो d बराबर क्या होगा f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय 2। अगर एक्रोमेटिक कंडीशन है उस वक्त हमें पता लगाना है तो क्या देना पड़ेगा, d बराबर f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय 2। तो f1 और f2 का वैल्यू हमें मालूम ही है 10 है, उसके बाद 6 है, दोनों को जोड़ कर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, अर्थात d हमें मालूम चल गया। तो d मालूम चल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे f इक्विवेलेंट भी पता लगा लेंगे। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एक्रोमेटिक कंडीशन में f बराबर क्या होता है f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2 माइनस d होता है, अर्थात f का अर्थ हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला है, तो क्या होगा 10 इंटू 6 और उसके बाद 10 प्लस 6 माइनस 8, जो अभी ये पता लगाए थे d का वैल्यू, वो d का वैल्यू रख दिए तो क्या आ जाएगा हमें फोकल लेंथ मालूम चल गया, अर्थात इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। उसके बाद हमें क्या करना है अल्फा और बीटा, फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल का वैल्यू पता लगाना है। तो अल्फा बराबर क्या होगा एफ डी बाई एफ टू, यहाँ जब भी प्लस होता है अल्फा का वैल्यू कब भी आएगा, जब भी आएगा प्लस में ही आएगा, ऑलवेज प्लस। तो एफ डी अर्थात इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इंटू डिस्पर्स डिस्टेंस, अर्थात दोनों लेंसेज का बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंसेज, अर्थात एफ टू से डिवाइड करना है, देख सकते हैं तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद बीटा, बीटा का जब भी वैल्यू क्या आ जाएगा निगेटिव में ही आएगा, तो बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला माइनस एफ इंटू डी, एफ का अर्थ हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और डी का अर्थ डिस्टेंस डिस्पर्सिव डिस्टेंस, उसके बाद एफ वन का अर्थ अर्थात फोकल फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंसेज। तो इसको गुना करेंगे तो माइनस 6 cm आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू मालूम चल गया, यही हमें हमें मालूम पता लगाने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में। तो इसको और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आप थोड़ा मिला के, तो लिख सकते हैं हिन द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल पॉइंट अल्फा बराबर 10 cm, उसके बाद सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट या पोजिशन बराबर बीटा बराबर माइनस 6 cm, ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा लैंग्वेज में मिला के, तो और भी फुल मार्क मिलेगा। तो थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और कोई राय सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।